नमस्कार, आरबी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार यादव, आज हम जनपद देवरिया के इंदूपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर 49 एनसीसी बटालियन देवरिया के बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर लगा हुआ है और बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाया जा रहा है कि ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है, फायरिंग के बारे में भी सिखाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के बारे में सिखाया जा रहा है, दुश्मनों से कैसे लड़ना है। आज यहाँ पर ब्रिगेडियर जीएस राजपुरोहित जी का भी आगमन होने वाला है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है। मैं कैमरा मैन से चाहता हूँ कि थोड़ा दिखाएँ कि कितना तेज़ बारिश हो रहा है और यहाँ पर बच्चे कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कितना बारिश हो रहा है, कैसे लोग सीखेंगे या आपको दिखाएंगे। और ब्रिगेडियर साहब से भी जानेंगे कि इतने बारिश में उनका आगमन हुआ है, वो कैसे बच्चों को सिखाते हैं, कैसे बताते हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बताइए आप बच्चे कैसे ट्रेनिंग करेंगे। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, देखिए यहीं बच्चों का कैंप लगा हुआ था, सब बच्चे ब्रिगेडियर साहब आए हुए हैं, उनकी स्पीच सुनने के लिए सब बच्चे हाल में गए हुए हैं। अभी ब्रिगेडियर साहब का स्पीच भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि कैसे कैसे सेना में भर्ती होने के तरीके बताएंगे। क्या नाम है आप लोगों का, ये बताइए इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही है, कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग, कैसे ट्रेनिंग चलेगा? सर बहुत अच्छे बारिश हो रही है, कैसे होगा बताइए आप लोग? बारिश में मैनेज हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब आए हैं, उनका स्पीच भी सुनने का आप लोगों को मिलेगा, कई तरीकों से भर्ती होने का तरीका बताएंगे वो। चलिए आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? अभी कब तक रहना है आप आपको? 25 तारीख तक रहना है। क्या क्या सीखा आप लोगों ने? बहुत सीखा हम लोग। फायरिंग कर लेते हैं आप लोग? यस सर। फायरिंग का तरीका सब सीख लिया आप लोगों ने? यस सर। और क्या क्या सिखाया जाएगा अभी? सर अभी बहुत कुछ सिखाया जाएगा, रीडिंग चल रहा है, रीडिंग और सर एफसीबीसी और भी जो आपके ट्रेनिंग मास्टर हैं आप लोगों को बढ़िया से सिखाते हैं? यस सर। कोई शिकायत उनसे? नो सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। यही बच्चों का ट्रेनिंग सेंटर है 49 का। बारिश तो बहुत ज़ोरों से हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है बच्चों को। अब प्राकृतिक देन को तो कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए सब कैंप में पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आप लोगों का? विवेक सहनी, अजीत सहनी, मंटू ठाकुर, मृदुल चौधरी, अमित यादव। ये बताइए फायरिंग का कोर्स आप लोगों ने सीख लिया है? फायरिंग कर लेते हैं आप लोग? कौन सा सीख लिया आप लोगों ने, क्या क्या सीख लिया आप, क्या क्या बाकी अभी? ट्रेनिंग में जैसे क्या क्या सिखा गया है आपको? ट्रेनिंग में सर फायरिंग सिखाया गया है, फील्ड के बारे में बताया गया है, मैप रीडिंग के बारे में बताया गया है। पढ़ाई सर चल रही है अभी? चल रही है। ट्रेनिंग कब तक चलेगा? 30 तक चलेगा। देवरिया से आए आप लोग ना? यस सर। किस जगह? कुर्सीनगर से। देवरिया से हैं आप? देवरिया से। आप कुर्सीनगर? आप देवरिया। ट्रेनिंग कब तक खत्म होगी आप लोगों की? 29 तारीख को। चलिए बारिश तो बहुत परेशान कर रही है आप लोगों को आज। यस सर। कोई परेशानी बारिश में? सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ब्रिगेडियर जीएस राजपुरोहित जी से जानते हैं कि 49 एनसीसी बटालियन देवरिया के बच्चों को किस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है। आइए उनसे जानते हैं कि एनसीसी के बारे में वो भी बताएं कुछ कि बच्चों को कैसे ट्रेंड किया जाता है, किस तरह से सिखाया जाता है और भर्ती के लिए कैसे ट्रेंड किया जाता है। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आज मैं देवरिया में हूँ और कैडेट्स का उत्साह देखते ही बनता है। 350 कैडेट यहाँ पर पूरे उत्साह के साथ ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। ये ट्रेनिंग है जहाँ इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, इसके साथ इनको अच्छा नागरिक बनाने के बारे में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, सिखाया जाता है। इस 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद और एक साल की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के बाद ये बी सर्टिफिकेट के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके एक साल बाद में तकरीबन सी सर्टिफिकेट कर लेते हैं। वो वक्त है जबकि यही कैडेट देश का एक सर्वोच्च नागरिक बनने के लिए तैयार है। बहुत उत्साह होता है, बहुत ताकत है उसके अंदर और कुछ भी कर गुजरने की बहुत ही दिली तमन्ना रहती है।
आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। सी सर्टिफिकेट के कैडेट को जिसने पास कर लिया है सी सर्टिफिकेट, रिटर्न एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फिजिकल में फिट है, मेडिकल में फिट है, तो वो सीधा रिक्रूट हो जाता है। ये तो रही सेना की बात। सेना के अलावा भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राज्य के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, जॉब्स हैं, उनके अंदर 2-5% इनकी वैकेंसीज हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले ही वीक उत्तर प्रदेश के ADG रिक्रूटमेंट जनरल शरण यहाँ आए थे। उन्होंने कैडेट से बात किया, यहाँ के MP साहब से मिले कि कैसे यहाँ पर कैडेट्स को और आम स्टूडेंट को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाए। और ये कुछ एक मौके होते हैं जबकि कैडेट से आपस में मिलना होता है, उनकी सिखलाई देख सकते हैं, उनमें और उत्साह भरा जा सकता है। ये मोटिवेशन का एक अल्टीमेट सोर्स है जिसमें कि हम कैडेट्स और समाज मिल करके वो संस्था तैयार करते हैं जिससे कि कैडेट्स अपना उद्देश्य हासिल कर सकें। धन्यवाद। कैडेट्स को कैंप में ट्रेनिंग देने के लिए 3 लेवल पर हम काम करते हैं। पहला है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में सिखाते हैं। दूसरा है इनके बहुत सारे नॉन मिलिट्री सब्जेक्ट्स हैं जिसमें GK है, आम डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, समाज में रहने की कला है। उनके अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत उनसे करवाते हैं, डिबेट वहाँ पर होता है, गेम्स का कॉम्पिटिशन्स होता है, इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के तौर पे उन्हें सिखाया जाता है। तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, नॉन मिलिट्री सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग और इसके अलावा सोशल वर्क्स के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। अभी अगले सप्ताह भर के अंदर ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर का स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान है वो हमने बहुत जोर शोर से शुरू किया हुआ है। और चूंकि हम इंदूपुर में हैं तो इंदूपुर के इलाके में यहाँ के लोगों को, यहाँ के प्रधान को, यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और आम जनता को साथ में लेकर के हम इस स्वच्छता पखवाड़ा को इस इलाके में एक बहुत अच्छा अंजाम देना चाहते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के यहाँ पर मिलिट्री की ट्रेनिंग, नॉन मिलिट्री सब्जेक्ट्स पे ट्रेनिंग और समाज से जुड़े हुए सभी विषयों के बारे में हम इनको जानकारी देते हैं। बहुत उत्साहवर्धक और मज़ेदार ट्रेनिंग है इन बच्चों के लिए। आइए सर। Yes!